साल 1903, स्थान उड़ीसा, मंदिर का नाम कोणार्क सूर्य मंदिर। आखिर क्यों नहीं खोल रहे दरवाजे? साल 1903 में कोणार्क मंदिर के मुख्य दरवाजे को अचानक रेत और बालू से पूरी तरीके से ढककर बंद कर दिया गया। इस घटना को करीबन 118 साल बीत गया, परंतु आज तक भारत सरकार ने इस दरवाजे को नहीं खोला। जब आप इस मंदिर में जाएंगे तो आपको मंदिर का मुख्य द्वार बंद दिखाई देगा। आप इस मंदिर के आसपास वाले इलाके में घूम सकते हैं, परंतु इस मंदिर का वैभव और रहस्य इस मंदिर के बीचों बीच मुख्य दरवाजे के अंदर मौजूद है। इस मंदिर से जुड़े कई रहस्य हैं, जैसे कि ये मंदिर अधूरा है, ये मंदिर श्रापित है। इस मंदिर के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि यह मंदिर सैकड़ों सालों से रेत में दफन था। बताया जाता है कि इस मंदिर के ऊपर 52 टन का एक चुंबक लगा था, और तो और इस मंदिर को बनाने वाले एक कारीगर ने आत्महत्या भी कर ली थी। इस मंदिर में रात के वक्त नर्तकियों की नाचने की आवाज आती है। ऐसे कई रहस्य हैं इस मंदिर के बारे में, जिसे अगर आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन फिर भी एक सवाल है जो बार बार मन में उठता है कि इतने प्रयास के बाद भी भारत सरकार बार बार कोणार्क मंदिर के मुख्य दरवाजे को खोलने का निर्णय क्यों बदल देती है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कोणार्क मंदिर के उन रहस्य के बारे में, जिसे भारत सरकार भी सबसे छुपाती है। आपको बता दें कि कोणार्क सूर्य मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। इस मंदिर की भव्यता के कारण ही ये देश के सबसे बड़े 10 मंदिरों में जाना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी शहर से लगभग 3 मील दूर चंद्रभाग नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर को पूरी तरीके से सूर्य भगवान को समर्पित किया गया है। इस मंदिर की रचना इस प्रकार की गई है, जैसे एक रथ में 12 विशाल पहिए लगाए गए हों और इस रथ को 7 ताकतवर बड़े घोड़े खींच रहे हों, और इस रथ पर सूर्य देव को विराजमान दिखाया गया है। यहाँ मंदिर से आप सीधे सूर्य भगवान के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के शिखर से और ढलती सूर्य को पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। वहीं मंदिर के आधार को सुंदरता प्रदान करते 12 चक्र साल के 12 महीने को परिभाषित करते हैं, और मंदिर की कलाकृति भी हमें पुराने इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताती है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि श्री कृष्ण के पुत्र श्याम को एक श्राप के कारण कोर रोग हो गया था। तब उन्हें ऋषि कटक ने श्राप से बचने के लिए सूर्य भगवान की पूजा करने की सलाह दी थी, जिसके बाद श्याम ने मितवन में चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्षों तक तपस्या की और सूर्य देव को प्रसन्न किया। सूर्य देव जो सभी रोगों के नाशक थे, उन्होंने इनके भी इस रोग का अंत कर दिया, जिसके बाद सामने सूर्य भगवान का एक मंदिर निर्माण करने का निश्चय किया। अपने नोग नाश के उपरांत चंद्रभाग नदी में स्नान करते हुए उन्हें सूर्यदेव की मूर्ति मिली। ये मूर्ति सूर्य देव का शरीर के ही भाग से देव शिल्पी श्री विश्वकर्मा ने बनाई थी। सामने अपने बनवाई मितवन में एक मंदिर में इस मूर्ति को स्थापित किया, और तब से वे स्थान पवित्र माना जाने लगा। कोणार्क मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहाँ आज भी नर्तकियों की आत्माएं आती हैं, और कोणार्क के पुराने लोगों की माने तो आज भी यहाँ पर शाम को नृत्य की पायलों की झनकार आपको सुनाई देगी, जो कभी यहाँ राजा के दरबार में नृत्य किया करते थे। इस मंदिर का निर्माण एक सैंडविच के तौर पर किया गया है, जिसके बीच में लोहे की प्लेट थी जिस पर मंदिर के पिलर रुके हुए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर 152 टन का चुंबक रखा हुआ था, जो कि इन खंभों से संतुलित था। इसी के चलते भगवान सूर्य की जो प्रतिमा थी वो हवा में तैरती भी रहती थी, जिसे देखकर हर कोई हैरत में पड़ जाता था। बताया जाता है कि इस चुंबक को विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ दिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर रखे चुंबक के कारण समुद्र से गुजरने वाली नाव, जो कि लोहे की बनी होती थी, इस चुंबकीय क्षेत्र के चलते क्षतिग्रस्त हो जाती थी। इस कारण अपनी नाव को बचाने हेतु नाव एक इस पत्थर को निकाल कर ले गए। ये पत्थर एक केंद्र शिला का कार्य कर रहा था, जिससे मंदिर की दीवारों के सभी पत्थर संतुलन में थे। इसके हटने के कारण मंदिर की दीवारों का संतुलन खो गया है। इसके परिणाम स्वरूप वह गिर पड़े, परंतु इस घटना का कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं मिलता।
और ना ही ऐसे ही किसी चुंबकीय केंद्र पत्रिका का अस्तित्व में कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। इसके बाद पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पंडों ने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को श्री मंदिर से हटाकर किसी गुप्त स्थान पर छुपा दिया था। इसी प्रकार कुणाल की सूर्य मंदिर के पंडों ने प्रधान देवता की मूर्ति को हटाकर वर्षों तक रेत में दबाकर छिपाए रखा। बाद में ये मूर्ति जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित इंद्र के मंदिर में रख दी गई। इस मंदिर के तहस नहस हो जाने के कारण कोणार्क में तीर्थयात्रियों का आना जाना बंद हो गया और ये एकदम से वीरान हो गया और कई सालों तक रेत और जंगलों से ढका रहा। फिर बाद में इस मंदिर को खोजा गया, लेकिन इसके कई हिस्से बहुत ही बुरी हालत में पाए गए। ऐसा बताया जाता है कि कई आक्रमणों और नेचुरल डिजास्टर्स के कारण जब मंदिर खराब होने लगा, उस वक्त गवर्नर जॉन वुडबर्न ने जगमोहन मंडप, जो कि इस मंदिर का प्रधान मंडप है, उसके चारों दरवाजे पर दीवारें उठवा दी और उसे पूरी तरह से रेत से भर दिया ताकि ये सलामत रहे और इस पर किसी डिजास्टर का प्रभाव ना पड़े। इस काम में करीबन 3 साल लगे और 1903 में यह पूरी तरीके से पैक हो गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहाँ जाने वालों को ये पता नहीं होता कि मंदिर का अहम हिस्सा, जो कि जगमोहन मंडप है, वो अभी तक बंद है। बाद में एसआई ने इसके अंदर के हिस्सों पर शोध कार्य आरंभ किया। कई बार लोगों के दर्शन हेतु उस मंदिर के मुख्य दरवाजे को खोलने की बात कही गई, परंतु 118 साल बीत जाने के बाद आज तक इस मंदिर के दरवाजे नहीं खोले गए।